नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग कभी लखनऊ आए होंगे और चाट में आपकी दिलचस्पी होगी और थोड़ा भी चटोरापन आप में होगा तो आप शायद ये शुक्ला चाट हाउस ज़रूर आए होंगे। हजरतगंज में है। मैं शायद 5-6 साल बाद दूसरी बार आया हूँ और मैं भी लखनऊ आ रहा था। जैसे मैंने लिखा लखनऊ जा रहा हूँ तो कई लोगों ने लिखा ये शुक्ला चाट वाले के यहाँ चाट ज़रूर खाइएगा। और कुछ यहाँ के जो पत्रकार हैं जो दिल्ली में रहते हैं वो जब तक यहाँ आते हैं कुछ चाट टिक्की ऐसे ही खाते हैं और उसका फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट डाल देते हैं। तो मैं आया यहाँ कल रात, तो आज दिन में कुछ काम था निपटा कर सीधा सीधा यहाँ पहुँचा शुक्ला जी के यहाँ। हमारे साथ दो चटोरे हैं, ये उपेंद्र हैं जो टिक्की खा रहे हैं। मैं कुछ ये क्या है, ये मटर का टिक्की है, मटर की टिक्की है, ये भी कुछ खा रहे हैं। और कैमरा पर्सन जो हमारे एक और हैं विकास, वो कैमरा कर रहे हैं। और यहाँ जरा आइए, जरा आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, जरा आगे आइए। अब जैसे मैं जानना चाह रहा था, चूँकि ये इतना सुनता हूँ शुक्ला चाट, शुक्ला चाट, तो वैसे शुक्ला जी आप ही हैं? जी हाँ। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश शंकर शुक्ला है। विनय शंकर शुक्ला? दिनेश शंकर शुक्ला। दिनेश शंकर शुक्ला जी। और कब से है ये चाट की दुकान? 1968 से 53 साल हो गया है। अच्छा, मैं 66 बॉर्न हूँ, मतलब मेरी पैदाइश के 2 ही साल बाद, तो ये तो बहुत पुरानी दुकान है। ये क्या बना रहे हैं आप? पानी मसाला बन रहा है। पानी बना रहे हैं उसका, गोलगप्पे का। तो ये किसने खोली थी ये दुकान चाट की? दुकान तो मेरे पिताजी ने ये बनाई थी। हाँ, लेकिन जब से ये शुरू है तब से हम भी शुरू हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 67 है। तो आप मतलब 12-13 साल के थे तभी से आ गए? 14 साल के थे तभी से यहाँ बैठ रहे हैं। है? तो बड़ा लंबा अरसा हो गया ये तो शुक्ला जी। है, नारायण जी के पास। तो तब भी इतना ही था या कुछ बढ़ा? ऐसा ही था। तो ये बताइए, थोड़ी दिलचस्पी ये हो गई, जरा चाट भी दिखाओ भाई। चटले दिखा रहे हो, चाट दिखाओ, उधर देखो क्या क्या है। वो टिक्की है बीच में जो है, जो सब्जी का आपको, ये क्या है? ये मटर है, ये टिक्की फ्राई हो चुकी है, ये फ्राई हो रही है। तो ये मटर टिक्की है खास, एक्चुअली वैसे वेजिटेरियन है लेकिन कई बार भ्रम हो सकता है किसी को कि उस कबाब टाइप का है क्या, लेकिन ये मटर टिक्की है जो आमतौर पर बहुत जगह नहीं दिखती है, टिक्की तो सब जगह दिखती है। और ये टिक्की का चाट बना रहे हैं। और शुक्ला जी इधर जो है पानी बताशा गोलगप्पा, क्या बोलते हैं इसको, गोलगप्पे का इन्होंने पानी बना दिया। और ये जो है हम इसमें दो तरह की, ये जो मटर टिक्की में नींबू के साथ भी खिलाते हैं और दही के साथ भी। और चटोरे लोग देखिए ये दूसरी प्लेट खा रहे हैं इधर। अब बात आती है, इधर आइए जरा। अब शुक्ला जी ये बताइए, दिन भर में कितने ग्राहक आते हैं यहाँ? ग्राहक की कभी काउंटिंग नहीं की। तो कोई ऐसा दिन होता है जिस दिन ज़्यादा भीड़ होती है? हमारी समझ से ये रोज है करीब करीब बराबरी रहती है। तो ये आपको क्या लगता है क्यों फेमस है आपका इतना कि दिल्ली से लोग बताते हैं शुक्ला चाट हाउस ज़रूर जाना? ये देखिए ऐसा है कि आपकी ईमानदारी, हाँ, और आप जो ग्राहक को दे रहे हैं, खिला, हाँ, रहे हैं, उसमें, हाँ, क्या सफाई है, हाँ, क्या उसके अंदर देख रेख है, ठीक है। और ये जो मसाले यूज हो रहे हैं वो मतलब रेडीमेड मसाले नहीं है, सब खड़े मसाले आते हैं, भुने जाते हैं, साफ किए जाते हैं, उसके बाद तैयार होते हैं। अच्छा, तो खासियत ये है, और ईश्वर की कृपा भी होनी चाहिए। किसी भी व्यापार को आप कर रहे हैं तो बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं होता है। तो और ईमानदारी से कर रहे हैं। अब बात एक ये है, जैसे मेरी जिज्ञासा हो गई कि 68 में आपने ये, आपके पिताजी ने ये शुक्ला चाट भंडार खोला, 68 से देखिए 53 साल हो गए। हाँ, 53 साल। तो 53 साल में तो कुछ विस्तार बड़ा होना चाहिए था, ये वजह बता सकते हैं कुछ? वजह ये है कि असल में घर में जो है और लोग सर्विस में रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और ये हमारे माता जी की कृपा है। हाँ, हमने कहा माता जी की जो कृपा है उसी की वजह से ये संपन्न है, ठीक है। परिवार तो आपके अगली पीढ़ी के लोग इसमें दिलचस्पी है कि नहीं, आपके बच्चों की है? हम कह नहीं सकते हैं, वैसे होना चाहिए। अच्छा, लेकिन आप कितने बजे आके बैठ जाते हैं? 2 बजे। और रात में कितने बजे तक चलता है ये? 10:30। 2 बजे से 10:30 तक ये चलता है। और वैसे हजरतगंज में चाट की 2-3 और दुकानें, एक बड़ी सी दुकान है, क्या नाम है, रॉयल समथिंग, क्या नाम है, रॉयल है, रॉयल कैफ़े। तो मैं रॉयल कैफ़े से गुजर रहा था, लेकिन हमारे जो सहयोगी हैं उपेंद्र जी, इनकी वो बहुत तलब हो रही थी आपके यहाँ के चाट खाने की। इन्होंने कहा नहीं, हमें वहीं जाना है, बल्कि मैं कहूँ हमें सीतापुर जाने का हम सोच चुके थे अभी। ये भाई साहब एकदम थे कि नहीं चाट खा के जाना है, तो सीतापुर जाने के बजाय उल्टी दिशा में आके हजरतगंज में यहाँ आ गए। तो
चाट की भी तस्वीर दिखाओ भाई, हमारी दिखा रहे हो, दिखाओ क्योंकि बंदे उधर लोग भी उधर आ गए हैं बहुत सारे। तो यार रेगुलर कस्टमर भी बहुत आते होंगे, रिपीट कस्टमर हैं, खा के मोटे हो जाते हैं सब दूसरे लोग, और आप इतने स्लिम कैसे हैं शुक्ला जी? मोटे कोई नहीं होते, नहीं ऐसी चाट नहीं खिलाते हैं जो मोटे हो जाए। नहीं नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आमतौर पर तला हुआ टिक्की ये सब खाने से लोग थोड़ा फैटी होता है, मोटा होता है, आप इतना स्लिम है, अपना बनाया हुआ नहीं खाते लगता है? नहीं अपना बनाया रोज खाते हैं। खाते हैं बिल्कुल। देखिए आपका बनाने वाला तो थोड़ा तोंद है गोल उसका। देखिए हलवाई जो है हाँ चखता जरूर है हाँ, और कहता हम खाते नहीं, दिन भर में चार आइटम बनाता है तो चारों आइटम खाता है हाँ। कैसा बना कैसा बना, चखने के लिए टेस्ट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए तो खाता नहीं है लेकिन खाता है। तो ये शुक्ला जी की चाट, और उसके बाद जो उपेन जी बताइए आपके चक्कर में हम आ गए, मतलब चाट लिया? हाँ बस ये थोड़ा सा एक खा चुके, एक बचा ये खा रहे हैं, और काफ़ी गजब का टेस्ट है। अच्छा, और गोलगप्पे तो वाकई बहुत मस्त है। अच्छा, अब गोलगप्पे हम भी टेस्ट करेंगे शुक्ला जी का, हालांकि मुझे हल्की सी खांसी है लेकिन फिर भी एक रिस्क ले लेंगे हम गोलगप्पे का। गोलगप्पे हम भी खाते हैं कुछ, पहले इसको पकड़िए जरा, इसको यहाँ रखते हैं। और मैं बताऊँ, मैं एक प्लेट वो जो है टिक्की खा चुका हूँ, दो टिक्की, उसके बाद ये है, और एक तरह से लंच ही हो गया ये। अब जरा गोलगप्पे देखते हैं, ये कंडीशन लागू कि मुझे हल्की सी खांसी है, लेकिन फिर भी जब आए हैं तो खाना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर जो भरा हुआ है आलू और जो भी चीज़ वो भी बहुत अच्छा है। पानी तो शुक्ला जी ने खुद अभी बनाया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो जैसे वो जो टिक्की चाट है, एक प्लेट कितने का आता है? 50 रुपीज़। और ये वाला 50 रुपये, दोनों 50-50 का। पानी के बताशे जो है सिर्फ 20 रुपये हैं, बाकी जो भी आइटम है वो 50 रुपये प्लेट है। हाँ, पानी के बताशे 20 रुपये के कितने हैं? 20 रुपये प्लेट। 20 रुपये प्लेट, एक प्लेट में कितना? एक प्लेट में 5 पीस। 5, और बाकी 50 रुपये की टिक्की है। 50 रुपये में सिंगल टिक्की है? नहीं, 50 रुपये में डबल, डबल टिक्की है। तो मैंने डबल टिक्की खा ली है, और जो हमारे कैमरा मैनेजर हैं उनकी भी शक्ल दिखा दें, पीछे तक लोग हैं, ये हमारे विकास जी हैं जो अब खाने वाले हैं, तो इनकी भी शक्ल दिखा देते हैं, और बाकी जनता यहाँ खा रही है। तो अब ख़त्म करें क्या है, तब तक ख़त्म रहेगा तब दो प्लेट और खा लेंगे, खाइए आप हाँ। और अब बताऊँ कि मैं कल रहूँगा लखीमपुर खीरी में, कल और परसों, क्योंकि लखीमपुर खीरी में चौथे दौर के जो चुनाव हैं, चौथे दौर की 60 सीटों पर, उसमें लखीमपुर खीरी भी है, बाकी बहुत सारी विधानसभाएं हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी मैं इसलिए रहूंगा क्योंकि लखीमपुर खीरी ही वो जगह है जहां वो कांड हुआ था, अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के काफिले ने किसानों को कुचला था, एक पत्रकार की मौत हुई और 4 किसान। इसलिए मैंने सोचा कि लखीमपुर खीरी निघासन, जो अजय मिश्रा की कंस्टिट्यूएंसी रही है, जहाँ से उनका बेटा जो आशीष मिश्रा खुद चुनाव लड़ना चाहता था, अगर वो सलाखों के पीछे नहीं जाता, वो इस तरह से किसानों के कुचलने का आरोपी नहीं होता, तो शायद दावेदारी उसकी उसको उसे उम्मीदवार बना देती। तो वहाँ रहूँगा, सीतापुर और आसपास के इलाके, इस बीच मेरा इसका ये छिटक गया, आसपास के इलाके, हो सकता है पीलीभीत भी जाऊँ, हालांकि चुनाव अलग अलग इलाकों में है, लेकिन वहाँ रहूँगा। और उसके बाद पहली वोटिंग जो लखीमपुर खीरी में सुबह की होगी वो आपको दिखाऊँगा। लखीमपुर खीरी में अभी 8 सीटें हैं, और बीजेपी का 2017 में गढ़ हो गया लखीमपुर खीरी, ज़बरदस्त कब्जा, मेरे ख्याल से 8 सीट शायद बीजेपी की है, और यूपी के कई ज़िले हैं जहाँ सारी की सारी सीटें बीजेपी को 2017 में मिली, उसी में बरेली है, उसी में आगरा है, 9 सीटें आगरा की पूरी बीजेपी, बरेली 9 सीटें पूरी बीजेपी, वैसे ही जहाँ कल चुनाव हुए हैं वहाँ भी कई ऐसे इलाके। तो लखीमपुर खीरी आसपास के इलाके में क्या फ़र्क पड़ता है, सुल्तानपुर अमेठी की तरफ क्या होता है, आज चुनाव प्रचार का दौर थम जाएगा क्योंकि परसों चुनाव है, शाम को प्रचार खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद डोर टू डोर जो भी प्रत्याशी अपने हिसाब से प्रचार जो करते हैं वो करते रहेंगे मिलते जुलते लोगों से, और उसके बाद फिर चुनाव जो 27 तारीख का चुनाव है वो इलाहाबाद और दूसरे इलाकों में है। तो मैं 25, 26, 27 तीन दिन इलाहाबाद और आसपास के इलाकों में रहूँगा। सिराथू उधर ही है, केशव मौर्य की वो विधानसभा सीट जहाँ वो गए थे और उन्हें एक तरह से अपमान झेलना पड़ा था,
तो ऐसे बहुत सारे इलाके समय समय पर जैसे जैसे चुनाव होते जाएंगे तो ऐसे ऐसे मैं अलग अलग इलाकों में जाता जाऊँ। ये शुक्ला टी स्टॉल ये भी नहीं कह क्या, वो भी आप ही कह क्या, वो किसी और का है। अच्छा देखिए एक और है, मैं चूँकि कम आया हूँ लखनऊ 3-4 बार और यहाँ तो शायद मैं 5 साल बाद आया हूँ, सामने एक शुक्ला टी स्टॉल भी है तो इसके बाद देखते हैं चाय भी पी ली जाएगी। बताइए और कुछ। और ये हमारी टीम में नए सदस्य शामिल हुए हैं, आकाश नाम है। और बीच में बताऊं क्या बताएंगे लोग सोच रहे हैं क्या बताने वाले हैं। नहीं भाई बताइए, लोग पता टीम में क्या क्या होता रहता है, क्या क्या होता है। जैसे ये नए सदस्य 4 दिन पहले आए हैं, लेकिन क्या हुआ कि कल वोटिंग में हम लोग कवरेज कर रहे थे इटावा और मैनपुरी के अलग अलग इलाके में। आज सुबह जब शूटिंग के लिए हमने कहा महोदय को कि कैमरा निकालिए, तो पता चला इसका एक लेंस गायब है, तो डिस्कवर नहीं कर पाए कहाँ गायब हुआ। लेकिन ऐसा अंदाज़ा है कि इटावा या करहल या जसवंत नगर वहाँ कहीं हमारा सोनी जो DSLR है इसका एक लेंस कहीं खो गया, 50mm का लेंस। तो इस वीडियो में मैं अपील भी कर दे रहा हूँ कि अगर जो लोग उस इलाके के हैं और अगर आपने कहीं आपको मिले वो लेंस, क्योंकि आपके मतलब की चीज़ है नहीं वो, जिसके पास ये सोनी का ये कैमरा होगा AS-A7 III S उसी के मतलब का होगा, तो इसलिए अगर आपको मिले तो आप मेरे फेसबुक पेज पर कमेंट बॉक्स में लिख दें, मेरा काम हो जाएगा क्योंकि एक लेंस जिससे हमें अभी काम करना था वो खो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चा है काम कर रहा है तो कुछ गलतियाँ होगी, थोड़ी लापरवाही होती है। तो अब बताओ कह तो दिया आप, एक्चुअली मैं जब इतना कह दिया ना कि बता दूँ अब तब नहीं बताता तो लोग बताता पता नहीं कौन सी पोल खुलने की बात कर रहा है। तो इस प्रकार से अब शुक्ला चाट हाउस से चटोरों के साथ लीजिए भाई, आप ही का था ये, चटोरों के साथ यहाँ से खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसे कहीं चुनाव के दौरान। और 2 चटोरे नहीं हमारे साथ, 4 चटोरे हैं दरअसल, एक हमारा चालक भी है वो दूर से अभी देख रहा है तो 2 प्लेट पैक करके उसके लिए भी जा रहा है। तो फिलहाल लखनऊ से हजरतगंज से नमस्कार।